इस वीडियो में आपको बताने वाले कि Oppo F27 5G में आप कैसे अनाउंसमेंट को या फिर आपको जब कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं जो अनाउंसमेंट आती है जो साउंड आती है उसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। इस वीडियो को फोन देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। लीजिए तो अपने फोन डिस्प्ले पर, यहाँ पे चलिए मैं प्ले स्टोर पर आता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करनी होगी ओ डायलर, जो कि जीनोन एप्लीकेशन है, जो कि ओप्पो का ऑफिशियली यहाँ पे आपको डायलर है। तो सिंपली इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, देख सकते हैं ओ डायलर, ये आपको 100% जेन्युइन है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको जेन्युइन है। सिंपली इसे इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ पे क्या होगा कि आप कहीं भी आप रिकॉर्डिंग कीजिए कोई भी अनाउंसमेंट आपको नहीं होगा। तो सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सिंपली आपको ओके कीजिए और यहाँ पे आपको गूगल डायलर पे रहेगा, तो सिंपली ओ डायलर पे क्लिक करें, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देनी और ये लॉक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अलाउ कर लीजिएगा। सारा सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि रिकॉर्डिंग होता है या नहीं। 198 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हो रही, देख पा रहे हो तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही, देख लीजिए। तो इस तरह यहाँ पे आप अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हैं अपने ओप्पो रेनो 12A 5G में। अच्छी लगी वीडियोस तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कर लीजिएगा।